यहाँ है तंबू का काम बाकी। अजीब अजीब तरह के सेल्फी लेने के लिए और ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, देख लीजिए आप कितने प्यारे फूल हैं। कुछ नया दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी दो कोटा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं आज केएसटी किशोर सागर तालाब की पाल पे, जहाँ पे लगा है पुष्प प्रदर्शनी फ्लावर शो। तो देख लेते हैं, चलते हैं फ्लावर शो केएसटी तालाब पर, किशोर सागर तालाब पे। तो लो लीजिए, हम आ गए हैं केएसटी किशोर सागर तालाब की पाल पे, जहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन जो है फूलों का फेस्टिवल महोत्सव चल रहा है। और ये कुछ नया दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, देख लीजिए आप गमलों में जो है पेंटिंग का। तो दोस्तों ये है छोटे छोटे फूल, काफ़ी प्यारे, थोड़ा पास से दिखाना। तो ये देख लीजिए आप कितने प्यारे प्यारे क्यारी में लगे हुए फूल हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज हम कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, अभी दिन में है, धूप काफ़ी तेज़ है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इतना ब्राइटनेस निखर के नहीं आ रहे हैं फ्लावर जो फूल हैं सारे गमलों में। तो जो भी है दिन में अभी यही है, देख लीजिए आप कितना अच्छा लग रहा है, बस अच्छे बहुत लग रहे हैं फूल सारे। तो हम रात का भी शूट आगे एड करके बताएँगे आपको, आगे जाके रात में भी अभी लेंगे शूट, तब तक अभी दिन का शूट ले लेते हैं हम, जितना भी हो सकता है दिन में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं शूट। तो देख लीजिए चारों तरफ गमले ही गमले हो रहे हैं। तो चलिए तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, ये आई लव मोशन, ये दिन का शूट है, मैं सोच रहा हूँ रात में भी इसको लूँ दोबारा। तो ये देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पे, कितने अच्छे लग रहे हैं ये फ्लावर। ये गणेश नर्सरी है अंकल जी की, अंकल जी बेटे में। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं हमारे पास में यहाँ पे, कितने प्यारे फूल हैं यार। ये UIT लिखा हुआ, ये दिन का शूट है, तो मैं अभी ले रहा हूँ फ़िलहाल। तो दिन में धूप बहुत तेज़ लग रही है मुझे, और चलते हैं देखते हैं आगे भी क्या है। ये लोकेशन भी काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी अच्छे रंग बिरंगे फ्लावर हैं यहाँ पे, गुलाबी काफ़ी ज़्यादा कलर दिख रहा है, येलो गुलाबी काफ़ी ज़्यादा कलर दिख रहा है। दोस्तों मैं आ गया हूँ बागीचे में, और ये बागीचा है तो देख लीजिए आप। तो चलते हैं पढ़ते हैं आगे। सेब की छोटी शीशी 20 रुपए, बड़ी शीशी 80 रुपए।
और ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे दिन का व्यू देखेंगे हम, नाइट में भी देखा एक बार क्या होता है यहाँ पे, अच्छा लगता है कैसा लगता है। ये पब्लिक सेल्फी तो ले रही है यार, अभी अच्छी खासी भीड़ है। तो ये है केसरी के घोड़े और सामने दिख रहा है जग मंदिर, बहुत प्यारा। तो लीजिए अब आ गए हैं हम किशोर सागर तालाब की पाल पे वापस, और जो है ये लाइटों से जगमगा रहा है। जो दिन में यहाँ पे लाइटें लगी हुई थी दिखाया था मैंने, वो रात में देखी किस तरह से कितनी प्यारी लग रही हैं रात में जलती भी। तो चलते हैं अंदर, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। मैं एक बार आपको पूरा राउंड दिखा देता हूँ, देख लीजिए बढ़िया है, सब सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। जी चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है ग्राउंड करके, और यहाँ पे वोटिंग की फैसिलिटी दी हुई है, तो देख लेते हैं वोटिंग का भी। यह है वोटिंग का एरिया जहाँ से वोट आपको चलेगी और जग मंदिर तक लेके जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आज जो है 100 रुपीज़ का टिकट है, और दिन जो है यहाँ पे 150 का टिकट रहता है। और ये नाइट का व्यू फ्लावर्स का, जहाँ से जो ब्यूटीफिकेशन दिख रहा था ब्यूटीफुल लग रहे थे फ्लावर, वही सारे हैं। और तो आप बताइए कैसा लग रहा है रात का व्यू और दिन का व्यू कंपेयर करके वीडियो में। दिन के मुकाबले में रात में ज़्यादा बेटर लग रहा है आई थिंक मुझे तो। और आप बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको दिन में आना चाहिए यहाँ पे रात में आना चाहिए। और ये रात में मोशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीछे जग मंदिर इसके और भी अच्छा लग रहा है। मोशन का ये जो लिखा हुआ है ये फूलों से आज रात में जो है अच्छा सा दिख रहा है। और ये कोटा महोत्सव 2023 भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। अच्छा है, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। और ये देखिए कपल, और ये जो जग मंदिर का सामने का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है जग मंदिर। तो ये बागीचा पूरा का पूरा, और यहाँ पर बनाए हुए डिज़ाइन अजीब अजीब तरह के सेल्फी लेने के लिए, और ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है एक, तो कि जिस पे लोग सेल्फी ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। दिन में भी यहाँ पे काफ़ी सेल्फी ले रहे थे लोग, शूट करवा रहे थे फ़ोटो। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।